नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पेशल दही आलू की रेसिपी लेके आया दोस्तों। चलिए आज हम और आप लोग के बिल्कुल टेस्टी और यमी दही आलू की रेसिपी बनाते हैं दोस्तों। इसे रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी खाते हैं सकते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं मैंने एक बहुत छोटे वाले आलू ले लिए, आप चाहे तो बड़े वाले आलू भी ले सकते हैं। इसे मैंने बॉयल कर लिया है, इसके छिलके को मैंने निकाल लिया है। फिर एक कांटे वाले चम्मच लेंगे और इस प्रकार से हम लोग सारे आलू में निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए हमने सारे आलू में कांटे से निशान लगा दिया है। अब इसे हम लोग साइड कर देते हैं और फिर हम लोग एक पाव दही ले लिया है दोस्तों। इसका मेजरमेंट ध्यान रखिएगा, आलू आप अगर एक पाव ले रहे हैं तो दही भी आपको एक पाव लेना होगा। ठीक है, उस प्रकार इसे चम्मच से अच्छी प्रकार से हम लोग फेंट लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मिक्स कर लिए। देखिए ये बिल्कुल हल्का हो गया है बिल्कुल से। अब इसमें कुछ मसाले हम लोग ऐड कर देंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, और फिर उसके बाद फिर हम आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे हम लोग। और इसे हम लोग अच्छी प्रकार से चम्मच से मिक्स कर देंगे और इसे हम लोग रेस्ट करने देंगे 10 से 15 मिनट तक ले। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग रख देते हैं और फिर हम लोग देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और आलू में मैंने दोस्तों थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे। और कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल, तब उसमें हम लोग नमक और हल्दी लगा हुआ बॉयल किए हुए आलू को हम लोग डाल देंगे और इस प्रकार से हम लोग मीडियम फ्लेम में इस प्रकार से हम लोग रोस्ट करते रहेंगे। जब इसका बाहरी भाग थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा तब सारे आलू को हम लोग निकाल लेंगे और बचे हुए तेल में फिर हम लोग कुछ खड़े मसाले देख सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और एक इलायची हम लोग डाल करके इसे हम लोग हल्का सा चटकने देंगे। और जब ये चटक जाएगा, एक बड़े साइज का प्याज बिल्कुल चॉप किया हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक ले इसे हम लोग सॉफ्ट होने तक ले इसे हम लोग भून लेंगे। जब ये भून जाएगा उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हम लोग 2 से 3 मिनट तक लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम लोग इसे भून लेंगे। जब ये भी भून जाएगा दोस्तों, तब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हम लोग थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम लोग दही का पेस्ट दो मसालों के साथ तैयार किए हैं वो सारे पेस्ट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अब थोड़ा सा ये हल्का ठंडा हो गया है, अब हम लोग इसमें हम लोग सारे पेस्ट को डाल देते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ज़्यादा गर्म रहेगा तो दही फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए गैस को बंद करके इसे हम लोग डाल देंगे और उसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर देंगे। जब ये मिक्स कर लेंगे अच्छी प्रकार से तब आप गैस को इसे जला सकते हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में रखिए और इसे इस प्रकार से चला करके हम लोग 5 से 4 मिनट तक लिए हम लोग इसे ढककर पकने देंगे। ठीक है दोस्तों, बस बीच बीच में आप इसे 1 से 2 बार इसे चलाते रहिएगा ताकि ये कढ़ाई पर ना चिपके। ठीक है दोस्तों, तो जैसा दोस्तों देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है और ये हमारे रोस्ट भी हो चुके हैं। देख सकते हैं किनारे पे तेल निकल रहा है और थोड़े से हरी मिर्च हम लोग इस प्रकार से लंबे लंबे काट के डाल दिए हैं और जो आलू हमने फ्राई करके रखे हैं उसे भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी प्रकार से हम लोग मिक्स कर देंगे। और इसके स्वाद को हम लोग और बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ मसाले और ऐड कर देंगे। इस समय हम लोग 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर और फिर स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें नमक डाल देंगे। नमक पहले नहीं डालेंगे नहीं तो दही के फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़े से कसूरी मेथी लेकर के इस प्रकार से हम लोग इसे भी हम लोग डाल देंगे और चम्मच से अच्छी प्रकार से मिक्स करके मिक्स कर देंगे और इसे भी हम लोग ढक करके 5 से 6 मिनट तक ले इसे हम लोग पकने देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे थे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कॉमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे दही आलू की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। देख सकते हैं बिल्कुल टेस्टी और यम्मी लग रही है, बिल्कुल देखने में ही लग रही है, तो इसका स्वाद और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सर्व करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी दही आलू की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे और नए नए डिशेज सीखते रहेंगे दोस्तों। तब तक लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए।